ना लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम इसके अंदर जो हमने टू फ्रॉम मैट्रिक्स देखा था उसके बेसिस के ऊपर हमने कहा कि ओके ये हम इस तरह इसको लोकेट करते हैं कि रूम वन के अंदर असम्बली डिपार्टमेंट लगा दिए जिस सीक्वेंस के अंदर वो लिस्ट था उसी सीक्वेंस में इनको इधर प्लेस कर दिया रूम टू के अंदर पेंटिंग डिपार्टमेंट रखती है रूम थ्री के अंदर मशीन शॉप डिपार्टमेंट है रूम फोर में रिसीविंग है रूम फाइव में शिपिंग है और रूम सिक्स में टेस्टिंग है अब ये हमने डिपार्टमेंट रखे हुए हैं अब इसके अंदर कितनी मूवमेंट कितने डिस्टेंस के साथ हो रही है तो वो अब हमने देखना है और उसके बेसिस पर कॉस्ट हमने एस्टिमेट करनी है इसके अंदर स्कीमेटिक डायग्राम शोइंग सीकेंस ऑफ डिपार्टमेंट्स टू विज दार्ट मूव ए और थ्री के दरमियान आर हंड्रेड मूवमेंट ठीक है और ये जो मूवमेंट हैं ये दो ब्लॉक्स के हिसाब से होंगे सो so, इसका जो लोड बनेगा वो टू मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड बनेगाट इज टू हंड्रेड वन और टू के दरमियान फिफ्टी की मूवमेंट है बट एक ब्लॉक मूव हो रहा है थर्टी हो रहे हैं बिटवीन टू एंड थ्री अगेन एक ब्लॉक हो रहा है अच्छा इधर दो किस्म के डिस्टेंस देखी जाती है वन इज रेक्टीलिनियर रेक्टीलिनियर इज बेसिकली यू मूव एट राइट एंगल तो उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो वो डिफरेंट आएगा दूसरा है द स्मॉलेट डिस्टेंस विच इज डायगनल भी हम उसको कंसिडर करते हैं तो उसकी मूवमेंट डिफरेंट होगी तो इट डिपेंड्स के आप किस को कंसिडर कर रहे हैं इस केस के अंदर हम डाइग्नल को एक्सेप्ट कर रहे हैं सो बिटवीन वन एंड सिक्स द मूवमेंट इज ऑफ टू ब्लॉक्स कह लें और ट्वेंटी उसकी वो है क्या कहते हैं टाइम्स मूवमेंट है तो टोटल मूवमेंट क्या बनी फोर्टी तो फोर्टी विल बी इट्स बेसिकली द कॉस्ट जिसको हम कहते हैं लोड डिस्टेंस डिस्टेंस दो का है लोड बीस का है तो टोटल उसका फोर्टी का लोड डिस्टेंस इधर बना है तो उस बेसिस के ऊपर हमने इसको एवेलुएट करना है કે اس کی કોસ્ટ એક્યુઅલી ક્યા આયેગી સો કોસ્ટ ઇઝ બેસિકલી અગેન ધ ડિસ્ટન્સ મલ્ટીપ્લાય બાય ઇટ્સ નંબર ઓફ મૂવમેન્ટસ اسકે અંદર જેમ મેન બતાયા 1 એન્ડ 3 વિલ બી 2 મલ્ટીપ્લાય બાય 100 એન્ડ 1 એન્ડ 6 વિલ બી 2 મલ્ટીપ્લાય બાય 20 ક્યોકી 2 કા ડિસ્ટન્સ હે ઓર 20 ટાઇમ્સ મૂવમેન્ટ હે તો ઉસ બેસિસ કે ઉપર યે હમણે ટોટલ કેલ્ક્યુલેટ કિયા और उसको सम कर लिया तो ये हमारे पास एक्चुअली इसकी एजम्पन इज के वन डॉलर पर लोड डिस्टेंस कॉस्ट आ रही है तो उसकी फाइव हंड्रेड सेवेंटी अब बेसिकली वी आर ट्राइंग टू मिनिमाइज द लोड डिस्टेंस ऑफ दिस लेआउट तो इस केस के अंदर हमारी जो फाइनल फिगर आ रही है दैट इज़ फाइव हंड्रेड सेवेंटी डॉलर अब इसके अंदर क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है वी विल सी दैट दैट later on.